हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिरका प्याज। और सिरका प्याज बनाना बहुत इजी होता है और ये जो प्याज है बहुत टेस्टी भी लगती है। बट बहुत सारे लोगों को सिरका प्याज बनानी नहीं आती है, तो मैं इसका आज परफेक्ट तरीका लेके आई हूँ कि आप सिरका प्याज कैसे बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं सिरका प्याज। सिरका प्याज बनाने के लिए अब हम यहाँ 1 कप पानी लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 10 से 12 काले मिर्च, 5-6 लौंग। इसका टेस्ट सिरका प्याज में बहुत अच्छा आता है। अब हम इस पानी को बॉईल करेंगे और पानी में बॉईल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टीस्पून सॉल्ट। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बीटरूट, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखे हैं मैंने इसके। और इसको 1 से 2 मिनट हमें बॉईल करना है। हमने यहाँ 2 मिनट बॉईल कर लिया है इन सबको। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पानी को ठंडा कर लेंगे। अब हम लेंगे 30-40 बेबी ऑनियंस, और जिसके ऊपर मैंने इसे चीरा लगा लिया है। आपको भी ऐसे बेबी ऑनियंस लेना है, उसको पील करके ऐसे चीरा लगाना है। इसको पूरा नीचे तक कट नहीं करना है आपको, बस चीरा लगाना है। अब हम सारी चीज़ें असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 15 ग्रीन चिलीज़ ली है। आप ग्रीन चिलीज़ का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर आपको ग्रीन चिलीज़ खाना पसंद है तो। तो हमने पहले यहाँ ग्रीन चिलीज़ डाली है, उसके बाद ऑनियंस, और अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ अदरक। मैंने 2 इंच अदरक लिया है, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और वापस से ग्रीन चिलीज़, ऑनियन, और जिंजर। हम ऐसे ही करते हुए, इसके लेयर बनाते हुए सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बीटरूट का पानी बनाया था, वो ठंडा हो गया है। उसके बाद हम वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। सिरके वाली प्याज में जो कलर आता है वो बीटरूट के पानी से ही आता है। और अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है कि आपको बॉईल नहीं करना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बॉइल्ड वाटर ही चाहिए जो कि ठंडा किया हुआ हो, या फिर आप इसको मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से भी बना सकते हैं। अब फाइनल स्टेप, और फाइनल स्टेप में हमें डालना है 1 कप विनेगर। और विनेगर डालने के बाद हमें इसे एक अच्छा सा मिक्स देना है, और इसको हम 1 दिन बाहर रखेंगे। मतलब आज आपने बनाया है तो आपको इसे कल तक बाहर रखना है, और कल तक ये रेडी हो जाएगी और आप इसे कल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ये 15 से 20 दिन चल जाती है अगर ये फ्रिज में हो तो। बाहर मत छोड़िएगा आप इसको, 1 दिन बस ये बाहर रहती है। आज आपने बनाया है, कल तक बाहर रहेगी, और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद जो पानी बचता है, जब प्याज ख़त्म हो जाती है और जो पानी बचेगा, आप उसे फेंकिए मत। उसमें आप वापस से ऑनियंस काट के आप इसमें वापस से डाल सकते हैं, पानी ख़राब नहीं होता इसका। एंड लुक गाइस, ये सिरका ऑनियन कितनी सुंदर दिख रही हैं, आप भी देख सकते हैं।
और जितने सुंदर ये दिख रही हैं उतनी ही अच्छी टेस्ट में भी हैं। तो आप ज़रूर बनाएं ये सिरका ऑनियन, आई होप ये सभी को पसंद होता है, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन बाय बाय।